हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्बल ऑर्डर पॉलिसी क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं वर्बल ऑर्डर क्या होता है। वर्बल ऑर्डर जो कि हम हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने लगती है, उस टाइम पर जो सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो उस टाइम पे जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, कंसल्टेंट को कॉल करता है और पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको बताता है। उसके बाद में कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं और उनको क्या देते हैं, वर्बली ऑर्डर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल ऑर्डर। देन कंसल्टेंट ने जो भी एडवाइस किया है, ऑर्डर किया है, ट्रीटमेंट प्लान किया है, उसको हमें क्या करना रहता है, जो पेशेंट की प्रोग्रेस शीट है या फिर उसमें नोट करना रहता है। तो ये नोट कौन करता है, जो ऑर्डर रिसीव करता है, चाहे वह CMO हो, ऑन ड्यूटी डॉक्टर हो या SR हो, JR हो, वो क्या करता है, फाइल में एंट्री करता है, उसको नोट करता है। इसके अलावा यदि वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, तो कभी कभी जैसे CPR चल रहा है या पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, तो उस टाइम पे जो सीनियर नर्स है वो भी कंसल्टेंट से वर्बली ऑर्डर ले सकती है। देन उसके बाद में जिसने ऑर्डर रिसीव किया है उसको क्या करना रहता है, जो फाइल में उसका नेम मेंशन करना रहता है, जिसने ऑर्डर दिया है, किस टाइम पे दिया है, किस डेट में दिया है, मेंशन करना रहता है। इसके अलावा जिसने ऑर्डर रिसीव किया है उसका भी नेम लिखना है, उसका भी टाइम, डेट और उसके साइन करना है, ये सब उसको फाइल में मेंशन करना रहता है। अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी क्या होती है। तो जिसने भी ये साइन लिया है, मतलब जिसने ऑर्डर रिसीव किया था, उसको क्या करना रहता है, जो फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, जब भी नेक्स्ट विजिट पर आएगा तो उसको क्या लेना है, काउंटर साइन लेना है। जो भी फाइल में उसने नोट्स डाले थे, वर्बली नोट्स डाले थे, उसमें जिस कंसल्टेंट के नोट्स डाले हुए हैं, जिसने ऑर्डर दिया था, उसके साइन लेने पड़ते हैं। तो ये कितने टाइम में लेना पड़ता है, विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको क्या लेना पड़ता है, साइन लेना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर जो भी कंसल्टेंट है उसके साइन होना चाहिए उस फाइल में। तो ये होती है वर्बल ऑर्डर पॉलिसी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।